बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद फातिमा सलीम में आपका वेलकम। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फातिमा के किचन में वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट वनीला मार्बल केक। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लेंगे 1.5 कप पाउडर शुगर। इसी के साथ हम इसमें रिफाइन ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप इसमें ऑयल का जाएगा। वन कप हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। सब चीजों को अच्छे से हैंड बीटर से बीट करें। देखिए, इन तमाम चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। ये मैंने मैदा जो है छान लिया है, ये 1.5 कप मैदा है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे। इसी के साथ हम इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 और वनीला एसेंस डालेंगे चंद कतरे। 1, 2, 4 to 5 जो है मैंने इसमें कतरे वनीला के यूज़ किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, तमाम चीज़ें जो हमारे केक की हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो रही हैं। मैंने एक पैन को ऑलरेडी चूल्हे पर रख दिया है ताकि वो हीट अप हो जाए। और इसको बनाने के लिए हमें किसी ऐसे पैन की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है। हम इसको एलुमिनियम के टिन में बनाएंगे जो आसानी से मिल जाता है। देखिए, हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इस बैटर में से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे दूसरे बाउल में ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे इसमें चॉकलेट का पाउडर ऐड करना है। अब इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। 1, 2 और 3 टेबल्स इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ा ही जल्दी बन जाने वाला मज़ेदार मार्बल केक हमारा तैयार होने वाला है। देखिए, चॉकलेट पाउडर है जो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया बैटर के अंदर। इसको एक साइड रखेंगे। इस तरह एलुमिनियम का कोई भी आप टिन ले लीजिए, इसमें हम अपने बैटर को डालते जाएंगे। मैंने इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो शुरू करते हैं। अब इसमें हम अपना वनीला वाला बैटर ऐड करेंगे। देखिए, हमारा बैटर जो फिलअप होता जा रहा है हमारे टिन के अंदर। एक चम्मच हम इसका इस्तेमाल करेंगे और एक ही हम वनीला का इस्तेमाल करेंगे।
तो बैटर मेरा सारा मैंने इसमें ऐड कर लिया अपने टिन में। और अब हम इसको स्पून की मदद से या बैम्बो स्टिक से आप कोई सा भी इसको डिज़ाइन दे सकते हो। मैं इसको बस हल्का सा ही हूँ और बस ये रेडी। अब हम इसको अपने बर्तन में जो मैंने चूल्हे के ऊपर पहले से रखा हुआ है उसमें ऐड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर इस तरह का कोई सा भी आप स्टैंड ले लें और उसको मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया। अब हम इसमें अपना ये टिन रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए केक हमारा अच्छे से राइस हो चुका है। हम फिर भी इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। आप बैम्बो स्टिक के साथ या नाइफ के साथ जो भी चीज़ अवेलेबल हो इसमें इंसर्ट करिए और देखिए ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पर आने का इंतज़ार करेंगे और फिर डिश अप करके आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारा बड़ा ही मज़ेदार मार्बल केक रेडी हो चुका है। तो खाइए, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।